शॉट है यार, मुझे शॉट। बहुत बढ़िया मुजीब, शाबाश। आज का मैच हो रहा है विंग्स एंड क्लॉज वर्सेस टीम हमिंगबर्ड्स, और आज विंग्स एंड क्लॉज ने पहले बल्लेबाजी करके मारे 182 रन्स 25 ओवर में, और टारगेट दिया है 183 का। इसके जवाब में उतरी है टीम हमिंगबर्ड्स के दो सलामी बल्लेबाज मुजीब और रेशम सिंह सोडी। सोडी काफी समय बाद ओपनिंग करने आए हैं आज, और शुरुआती जो खाता खोला है टीम का मुजीब ने, टीम का और अपने लिए चौके से। बॉल ज्यादा पेस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं अभी बॉलर, थोड़ा सा लाइन लाइन देख रहे हैं अभी सिर्फ। ओवर की चार गेंदे हो चुकी हैं और एक चौका आया अभी तक। थोड़ा लेग ब्रेक टाइप का कराते हुए बॉलर, पांच बॉल ओके। और ये एक ओवर और स्कोर है 4 रन बिना किसी नुकसान के। सोडी इस मैच की पहली बॉल फेस करेंगे दूसरे ओवर में, और अब पेसर को बुलाया गया है जो काफी तेज बॉल डालते हैं। बहुत ही सोच समझ के पहला ओवर खेला यहाँ मुजीब ने, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घाई नहीं, इजीली लिया जो एक अच्छी बात है। दूसरे ओवर की पहली बॉल सुरक्षात्मक तरीके से खेला, ओ फ्लिक करने की कोशिश लेकिन डॉट हुई। जिस तरह से टीम की शुरुआत करने, बैटिंग की शुरुआत करने आए हैं सोडी और मुजीब, उसी तरह से कमेंट्री की शुरुआत के लिए आए हैं धीरज और शहजाद। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज साहब। देखा जाए तो आज का मैच भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा होना चाहिए जिस तरह का स्कोर दिया है अपोजिट टीम ने, और बहुत ही अच्छे से खेला गया ये मैच जो अभी चल रहा है। मुझे बढ़िया खेलते हुए अपने तरीके से ही, और फुल लेंथ और ड्राइव करा था लेकिन पूरी तरह से नहीं आई और डॉट हुई। अगली बॉल कराते हुए बॉलर, ओहो फ्लिक किया, कैच हो सकती थी लेकिन मिस हुई और सिंगल मिला यहाँ। एक जीवनदान कह सकते हैं मुजीब के लिए ये। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है, दो ओवर के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान के। अब फिर से इस ओवर की पहली बॉल खेलेंगे मुजीब, मिस कर गए, थोड़ा पीछे खेलने चले गए इसलिए बॉल मिस हो गई, थोड़ा सा आगे खेलते तो बॉल अच्छा कनेक्ट होता था बल्ले से। लेग ब्रेक जैसी बॉल कराते हुए लाइन काफी आगे रखते हुए लेंथ को, ये थोड़ी सी छोटी
और कोई रन नहीं। 3 बॉल अभी तक खेल चुके हैं इस ओवर की, एक भी रन नहीं। घुमाया है शानदार 6 रन के लिए, बहुत अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट पिक किया यहाँ मुजीब ने। पहले बॉल्स को देखा, उसके बाद चौथी गेंद घुमाई और सीधा पार 6 रन। देखते हैं बॉलर क्या करते हैं, इसके अगली बॉल क्या डालेंगे। मुजीब तैयार, थोड़ी सी पीछे रखी बॉल और सिंगल चुराया। ओवर की आखिरी गेंद और 7 रन आ चुके हैं इस ओवर से अभी तक। सूझबूझ कर खेलते हुए, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं अभी तक। जाने दिया बॉल को क्योंकि वाइड है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा आया 1 रन यहाँ पे। पहली वाइड ओवर की आई चौथे ओवर में। और फुल टॉस बना के स्वीप करने की कोशिश किया और सिंगल आया। बढ़िया थ्रो फेंका यहाँ फील्डर ने। तो इस ओवर से आए पूरे 9 रन और स्कोर हो चुका है 15 रन 4 ओवर। माफी चाहूंगा, 4 ओवर हुए हैं, 4 ओवर और 15 रन बिना किसी नुकसान के। फिर माफी चाहूंगा, 3 ओवर 15 रन। बॉलर की पहली बॉल और बाउंस और ये विकेट पहली गेंद पे। सोडी आउट होते हुए यहाँ काफी उम्मीदें थे आज टीम को और खुद सोडी को अपने से, लेकिन पहली ही बाउंसर मारी और उसमें फंस गए सोडी और विकेट दे बैठे कीपर के हाथ में कैच सीधा। स्कोर हो चुका है 15 रन 3 ओवर 1 बॉल 1 विकेट के नुकसान पर। अगले बल्लेबाज शहजाद अहमद, पहली बॉल सीधा ब्लॉक हॉल में और अच्छे से रोका। ओह बढ़िया कट, ओह बढ़िया गैप में खेला हुआ सीधा 4 रन शहजाद भाई का पहला। बहुत बढ़िया खेलते हुए, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं ऑफ साइड के। अगली बॉल खेलते हैं शहजाद और फ्लिक की और गए थर्ड मैन की साइड, सिंगल मिला यहाँ। 4 ओवर में 20 रन 1 विकेट नुकसान पर। 5 ओवर की पहली बॉल शहजाद फेस करते हुए, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं ऑफ साइड के जो काफी ऑफ साइड में बिलीव रखते हैं। आज काफी जरूरी है इनका अच्छे तरीके से खेलना, पिच पे टिके रहना, क्योंकि सोडी अपना विकेट जल्दी दे चुके हैं आज। पांचवे ओवर की दूसरी गेंद, ओह बढ़िया शॉट घुमाया और 4 रन। फुल लेंथ बॉल थी, उसको पिक किया और काफी बढ़िया खेला लेग साइड की तरफ। एक और चौका यहाँ शहजाद भाई के बल्ले से। ओ नीचे हो चुकी बॉल एकदम से ही और एक और बाय का चार आया रन आते हुए यहां। पिछला रन बल्ले से, उसके बाद वाला रन बाय का, तो थोड़ा दबाव
यहाँ बन सकता है बॉलर्स पे, क्योंकि 100 ओवर से 8 रन आ चुके हैं अभी तक और गेंदें हुई हैं अभी केवल 3। एक और फुल लेंथ, पहले ऐसा लगा जैसे छोड़ने का निश्चय किया हो उन्होंने, इस बॉल को निर्णय लिया हो, लेकिन एकदम से बॉल देखे उन्होंने अंदर की तरफ तो उन्हें रोकना पड़ा। सूझबूझ से खेलते हुए शहजाद भाई यहाँ, एक और फुल लेंथ और एक और शानदार कवर ड्राइव चौका, 3 चौके आ चुके हैं इस ओवर से अब तक। बढ़िया ओवर रहा है ये टीम हमिंग बर्ड्स के लिए। अगली गेंद फिर देखते हैं क्या करते हैं बॉलर। और थोड़ी पीछे रखी बॉल और अच्छे से सुरक्षात्मक तरीके से खेला ओवर की आखिरी गेंद को। इस ओवर से 12 रन और स्कोर हो चुका है 32 रन 5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया खेलते हैं शहजाद भाई यहाँ पे, इसी तरीके की बल्लेबाजी चलती रहे तो काफी जल्दी मैच पकड़ में आ सकता है टीम हमिंग बर्ड्स की। छठे ओवर की पहली बॉल, ओ फ्लिक किया और एक शानदार एक और चौका यहां मुजीब के बल्ले से। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ी यहां पे। ओवर की दूसरी बॉल, शायद बॉलर थोड़ा परेशान हो सकते हैं इस चौके से। अगली बॉल फिर से फुल लेंथ और ओ अच्छी फील्ड, लेकिन फिर भी एक रन लेने से नहीं रोक पाए, एक रन चुराया यहां शहजाद और मुजीब ने। फुल लेंथ बॉल्स काफी पसंद करते हैं शहजाद अहमद यहाँ पे, देखते हैं बॉलर उनको बॉल देते हैं उनके स्लॉट में या पीछे रखते हैं। ओ थोड़ी सी पीछे रखी लेकिन करारा प्रहार किया था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। बॉलर्स ने एक्स्ट्रास पे काफी पकड़ कर रखी है, एक्स्ट्रास बिल्कुल ही ना के बराबर देने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं दे रहे हैं। ओ एक बाउंस, एक और बढ़िया ही उसको रोकने के साथ साथ रन चुराने की भी कोशिश की उस बॉल को, उस बॉल पे, और एक रन लिया। बॉलर काफी अच्छी बाउंस डालते हैं यहाँ, बढ़िया ही प्रयोग कंधों का, एकदम आश्चर्यचकित कर दिया बल्लेबाज को। एक और फुल लेंथ लेकिन कोई रन नहीं। काफी कुछ निर्भर करता है इस जोड़ी पे जो अभी तक काफी अच्छा खेल रही है। एक और फुल लेंथ नहीं, थोड़ा पीछे और ओ कैच ड्रॉप हुई यहां मुजीब नहीं शहजाद अहमद की। सॉरी मुजीब की कैच ड्रॉप हुई यहां पे, लेकिन रन नहीं लिया। अगले ओवर की पहली बॉल, बॉलर चेंज किए हैं यहां और लेग साइड में बॉल, नया बॉलर है अभी इस मैच का तो थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ शहजाद अहमद को। लेग साइड में थी बॉल, फ्लिक करने की कोशिश लेकिन पैरों पे। अगली बॉल विक्टो पे सीधी और रोका उसे। अगली गेंद, ओ फुल लेंथ, फुल शॉट ट्राई करने की कोशिश की लेकिन बॉल मिस। एक और बॉल डॉट, अच्छे विकेट पे 2 विकेट बॉल डालते हुए बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का अपनी बॉल पे। ज्यादा आगे नहीं, ज्यादा पीछे नहीं, बिल्कुल गुड लेंथ बॉल कराते हुए यहाँ। बढ़िया बॉलिंग कराते हुए हैं अभी भी।
अपने रिदम को बरकरार रखते हुए अगली गेंद के लिए तैयार। शहजाद फुल लेंथ फुल टॉस बनाई और ये चार हो सकता है, चार रन, एक गलती पूरा फायदा बल्लेबाज ने उठाया। अभी तक का स्कोर है 7 ओवर में 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे काफी शानदार चौका मारा है यहाँ शहजाद भाई ने, 5 गेंदें काफी अच्छी डाली बॉलर ने, लेकिन एक गलती फुल टॉस बना के फ्लिक किया और 4 रन मिले टीम को और शहजाद भाई के खाते में। अगला ओवर कराते हुए बॉलर चेंज है, देखते हैं क्या होता है इस ओवर में। मुजीब है स्ट्राइक पे, आठवें ओवर की पहली बॉल है, मुजीब स्ट्राइक पे। 42 रन का स्कोर हो चुका है अभी तक, टारगेट दिया है 183 का। स्पिन बॉल कराते हुए फुल टॉस थी, उसको सिर्फ गाइड किया लेकिन रन नहीं, शायद चेक कर रहे थे पहली बॉल, एक्सपेक्ट नहीं था इतना स्लो आएगी। फ्लाइटेड बॉल की अब मांग है यहाँ कीपर द्वारा, देखते हैं बॉलर क्या करते हैं। और फ्लाइटेड दी लेकिन थोड़ी पीछे गिरी। सिंगल लिया यहाँ पे, स्ट्राइक पे आए अब शहजाद, अच्छा खेलते हुए शहजाद भाई, सिंगल्स डबल्स के साथ साथ चौकी भी लेते हुए। ओ रोका और सिंगल चुराया, बहुत बढ़िया, रोटेट किया स्ट्राइक को। एक बार फिर से स्ट्राइक में मुजीब, इस बार फिर से फ्लाइट हिट देंगे या पीछे रखेंगे। ओ फ्लाइटेड लेग साइड में और हुई वाइड, 1 रन और मिला टीम को, एक बॉल की बॉल भी। इस ओवर से अभी तक आ चुके हैं 3 रन 3 गेंदों में। अगली गेंद फिर से एक और, काफी आगे खेल रहे हैं इस बार, खेले इस बॉल को, रिस्क लिया और सिंगल भी। 4 गेंदों में 4 रन दे चुके हैं इस ओवर में अभी तक। 5वीं बॉल फेस कर रहे हैं शहजाद, और स्वीप किया और ये फील्डर मौजूद वहां पे, सिंगल ही मिलेगा लेकिन बढ़िया स्वीप, काफी कॉन्फिडेंट हैं बॉलर यहाँ पे अपनी बॉलिंग को लेकर, और फ्लाइटेड देने से हिचकिचा नहीं रहे हैं, शायद उनको बुलाया ही गया है उनके कैप्टन द्वारा ताकि वो फ्लाइटेड दें और बल्लेबाज हिट करें और अपना विकेट खोए। तो एक आध बाउंड्री भी अगर दे दें तो उसमें कोई दो राय नहीं और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा सामने वाली टीम को। एक और फ्लाइटेड और मिस हिट हुआ थोड़ा सा, और एक और सिंगल। ओवर से आए 6 रन और स्कोर हुआ 48 8 ओवर में। 9वें ओवर की शुरुआत हुई यहां, पहली बॉल ओ बढ़िया स्लाइस किया और एक और चौका मुजीब के बल्ले से, बढ़िया बैटिंग करते हुए मुजीब। दूसरी बॉल ओवर की फुल लेंथ, सिंगल लिया इस बॉल को, स्ट्राइक रोटेट की, अच्छी बल्लेबाजी, बाउंड्री के बाद सिंगल। अब अगली बॉल फेस करेंगे शहजाद और बढ़िया शॉट और लेकिन सिंगल, फील्डर मौजूद है वहां पे लेकिन शॉट काफी बेहतरीन। फिर से स्ट्राइक रोटेट, स्ट्राइक पे फिर से मुजीब,
तीन गेंदें हो चुकी हैं ओवर की, बची है तीन गेंदें और तीन में अभी तक 6 रन आ चुके हैं। काफी बढ़िया ओवर चलता हुआ अभी तक के हमिंग बर्ड्स के लिहाज से। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, स्लिप बुलाई गई है वापस अंदर थर्ड मैन की दिशा से और पॉइंट की साइड वाला फील्डर किया है बाहर। अगली गेंद बल्लेबाज तैयार मुजीब, फिर से फुल लेंथ, फिर से आगे की तरफ बॉल थी और फिर सिंगल रोटेट हुआ। 4 गेंदें हो चुकी हैं, रन आ चुके हैं 7 इस ओवर से अभी तक। ओह बढ़िया खेलते हुए एक और फिर से ऑफ साइड में कट जैसा खेला उन्होंने और सिंगल लिया। लास्ट बॉल इस ओवर की, बढ़िया ओवर, कोई बॉल डॉट नहीं अभी तक। 4 सिंगल 1 चौका, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी क्रिकेट। ओ काफी छोटी बॉल थी, शॉट मारने का कोशिश पुल लेकिन काफी स्लो, इसलिए मिस हुए और बॉल हो गई डॉट। इस ओवर से आए 8 रन, टोटल स्कोर हुआ 56 एक विकेट के नुकसान पर 9 ओवर में। 10वें ओवर की पहली बॉल और स्पिनर को बुलाया है वापस कंटिन्यू करते हुए, देखते हैं इस ओवर में वापस ये कितनी फ्लाइटेड बॉल्स डालते हैं शहजाद भाई स्ट्राइक पे। पहली ही बॉल फ्लाइटेड और ये पार 6 रन के लिए, बहुत बेहतरीन शॉट और शानदार छक्का शहजाद भाई के बल्ले से। तो जैसे जितने दिलेर बॉलर हैं फ्लाइटेड डालने में कोई कमी नहीं, उतने ही दिलेर हमारे बल्लेबाज, तुम फ्लाइटेड डालो हम पार मारेंगे। बहुत बढ़िया बैटिंग, बढ़िया बल्लेबाजी। हेलमेट वापस करते हुए टर्नर ये हेलमेट लेने आए, उनको हेलमेट दिया। ओवर की दूसरी गेंद, पहली बॉल फ्लाइटेड पिच है, दूसरी बॉल फ्लाइटेड से थोड़ी पीछे, मिस टाइम हुए, स्वीप करने गए थे मिस टाइम हुए, बॉल डॉट हुई। फील्डर तैयार रखा है उस तरफ लेग साइड में इस शॉट के लिए, बॉलर अभी भी उतने ही उत्साही, कोई और थोड़ी सी पीछे, थोड़ी सी पीछे रखी इस बॉल को, चतुराई भरी बॉलिंग कराते हुए और उतने चतुर बल्लेबाजी करते हुए। तीन बॉल हो चुकी हैं, अगली बॉल और एक और घुमाया लेकिन फील्डर पहले ही तैनात कर चुके हैं वहां पे, तो सिंगल ही आएगा इसमें। 4 बॉले 7 रन अभी तक इस ओवर से, बढ़िया ओवर चलता हुआ यहाँ पे मुजीब स्ट्राइक पे। देखते हैं मुजीब को भी ये फ्लाइटेड ही देते हैं या थोड़ी पीछे रखते हैं, ज्यादा पीछे नहीं रख रहे हैं बॉलर, या तो गुड लेंथ या फुल लेंथ। नो शॉट पिच, अगली गेंद, ओ ये थोड़ी शॉर्ट थी और वाइड हुई, ये थोड़ी शॉर्ट थी और वाइड हुई, मिलेगा एक और रन। बढ़िया ओवर एक और हमिंग बर्ड की तरफ आता हुआ, एक और फुल लेंथ और एक और सिंगल। ओवर की आखिरी बॉल इस ओवर से आ चुके हैं अभी तक 9 रन। बढ़िया सिंगल चुराया यहाँ काफी तेज, बढ़िया कॉल शहजाद भाई की और सिंगल चुराया, ओवर हुआ का समाप्त। रन आए इस ओवर से 10, 10 ओवर में स्कोर हुआ 66 एक विकेट के नुकसान पर। बॉलर चेंज,
एक और स्पिनर, काफी एक्सपीरियंस्ड स्पिनर, सिंगल चाहते थे लेकिन मना किया मुजीब ने। बॉलिंग पे आए हैं वो जिन्होंने अभी अपनी अपनी टीम के लिए 80 रन बनाए हैं 53 गेंदों में, काफी बढ़िया बल्लेबाजी की, इसमें से 5 छक्के लगाए हैं और नॉट आउट आए हैं। अगली बॉल फुल लेंथ, क्या फुल टॉस, उसको स्वीप करने की कोशिश, ओ बढ़िया फील्डिंग, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए और सिंगल। बढ़िया, 2 बॉल हो चुकी हैं और ये घुमाया है मुजीब ने लेकिन हाथों में देगी बॉल और कैच आउट, विकेट गवाया अपना। ये इनका स्ट्रॉन्ग जोन भी है और वीक जोन भी है जिस तरह ज्यादातर आउट होते हैं। एक बार फिर से लॉन्ग ऑन तरफ आउट होते हुए मुजीब, बढ़िया पार्टनरशिप करी लेकिन ये और लंबी कर सकते थे, विकेट गवाया अपना। काम आया एक्सपीरियंस और चटकाया विकेट। अगले बल्लेबाज हैं विशाल, बढ़िया बैटिंग करते हैं, छोटी हाइट के लेकिन बैटिंग काफी अच्छी। शॉर्ट पिच बॉल और एक और शॉट घुमाया और ये 4 हो सकता था शायद, बढ़िया फील्ड बचाए 3 रन अपनी टीम के लिए। फुल टॉस, एक और रवि सिंगल है। और एक और सिंगल, स्ट्राइक रोटेट, बढ़िया क्रिकेट। और एक्सपीरियंस के साथ बॉलिंग कराते हुए एक और फुल लेंथ बॉल, फुल टॉस, फुल लेंथ का फुल टॉस बॉल और फिर से सिंगल ही। काफी तेज है यहाँ इस रनिंग में भी विशाल और ओवर की समाप्ति 70 रन 11 ओवर 2 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में केवल 4 रन और एक विकेट मुजीब की। दोनों छोर से स्पिनर्स, बढ़िया रोका, सिंगल चाहते थे लेकिन पहले ही मना किया फिर हाँ। पहली बॉल डॉट, सिंगल चाहते थे लेकिन हुआ नहीं क्योंकि कॉलिंग थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगली फुल लेंथ बॉल को पीछे खेलने की कोशिश, फुल लेंथ खेल को पीछे खेलने की कोशिश, तो ये थोड़ा उतना अच्छे संकेत नहीं बल्लेबाज के लिए। ओ फुल लेंथ और एक और कैच, फिर से अपना विकेट दिया यहाँ विशाल ने, 3 विकेट जा चुकी हैं यहाँ पे और रन है केवल 70 11 ओवर 2 बॉल। अगले बल्लेबाज आए हैं इमरान, टीम के कप्तान, काफी उम्मीदें टीम को। पहली बॉल हल्का सा गाइड किया आगे की तरफ और एक सिंगल चुराया, बढ़िया। बढ़िया ओवर रहा अभी तक ये विंग्स एंड क्लॉज के लिए, केवल 1 रन दिया है और 1 विकेट ले चुके हैं 3 बॉलों में। ओ एक और फुल लेंथ गेंद और सिंगल एक और, बढ़िया क्रिकेट चलती हुई। अभी बॉल बची है, आखिरी बॉल इस ओवर की, फुल लेंथ, जितनी लंबी बॉल उतना ही लंबा 6, स्टेडियम के बाहर, ग्राउंड के बाहर शॉट, 6 रन अपनी दूसरी ही बॉल पे इमरान ने मारा, बढ़िया शॉट। 12 ओवर में 78 रन हो चुके हैं अभी तक
फिर बुलाया पेसर को, पहली बॉल वाइड, पहली बॉल दोबारा फेंकनी पड़ेगी इन्हें, बढ़िया ऑफ ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ के कराते हुए, और पेस भी काफी अच्छा, बीट क्या बल्लेबाज को। ये ओह कट और एक चार रन, हल्का सा एज जानबूझ के खेला गया ये शॉट और चार रन मिले। बढ़िया बैटिंग, बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ शहजाद के द्वारा, गति का उपयोग किया यहाँ बॉलर के। एक और बॉल, अगली बॉल देखते हैं, फुल लेंथ या शॉट। ओ बढ़िया बैटिंग, कैमरामैन की साइड बॉल आती हुई लेकिन सिंगल। ये एक बढ़िया क्रिकेट शो करता है कि आपने एक बाउंड्री ले ली तो जरूरी नहीं है आप दूसरी बाउंड्री ही ट्राई करो, चाहे वो बॉल बाउंड्री लैक हो चाहे ना हो, बढ़िया कि आप सिंगल रोटेट कर लो अगर बाउंड्री लैक बॉल नहीं है तो। बढ़िया शॉट और बढ़िया क्रिकेट। इमरान एक बार फिर से शुरुआत काफी अच्छी करते हैं अपनी इनिंग्स की, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं कर पाते उसको, आज कोशिश करेंगे लंबा करें और सिंगल ऐसे चुराएंगे तो बहुत दबाव बनाएंगे वो सामने वाली टीम के फील्डर्स पे और बॉलर्स पे। बढ़िया सिंगल है इमरान द्वारा और शहजाद भाई द्वारा। गेंद, ओ एक और बढ़िया शॉट और एक और चौका, बहुत बढ़िया बैटिंग शहजाद अहमद द्वारा, शानदार बल्लेबाजी। जितनी अच्छी बॉल उतना ही बेहतरीन ये खेला गया शॉट, काफी बाहर बॉल थी और उतना ही बाहर खेला गया शॉट, उतना ही बढ़िया चौका। ओवर से अभी तक दो चौके आ चुके हैं, एक और बढ़िया ओवर साबित होता हुआ हमिंग बर्ड्स के लिए। अगली गेंद बाजी की, एक और फुल लेंथ, हल्का सा खाली ड्राइव टाइप का किया था और सिंगल लिया। एक और बढ़िया क्रिकेट, चौका देन सिंगल, ओवर की समाप्ति। 13 ओवर में 90 रन स्वागत करोगे अभी तक। ओ ब्रेक के बाद पहली बॉल, बहुत अच्छा खेल और विकेट दिया अपना इस बॉल पे। और अब बता दूं आपको कि हमारे साथ हैं बालूक भाई, 38 बॉल पे 42 रन, हमारे साथ हैं बालूक भाई जो अब आगे संभालेंगे और आपको हाल बताएंगे मैच का। और एक सिक्स मारने के बाद अच्छा बॉल था, चेक करने के चक्कर में चले गए। दीपक लमकोटी भाई, कोड हिटर है इनका खेलने का तरीका। अभी अभी हमारे सयाद भाई बहुत अच्छा खेल के 42 रन बनाने 38 बॉल पे। रविश तनेजा जी बॉलिंग करते हुए 3.1 ओवर में 21 रन दिए, राइट आर्म लेग स्पिन करते हुए, अच्छा डिफेंस दीपक भाई द्वारा, डॉट बॉल। तेरह ओवर के बाद 90 रन पे 4 विकेट, 6.75/100, राइट आर्म लेग स्पिन, लंबी बॉल मिस कर गए, काफी लंबी बॉल थी दीपक भाई मिस कर गए इसे। 69 बॉल्स पे 93 चाहिए। दोनों बैट्समैन जो खेल रहे हैं अभी उनकी श्रेणी हार्ड हिटिंग की है, राइट आर्म लेग स्पिन करते हुए, और ये अच्छी बॉल, अच्छा सिंगल चुराया, बहुत ही अच्छा इमरान भाई ने। इमरान जो कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा मिडिल, तेज खेलना इनकी प्रवृत्ति है, लेकिन आज हमारे
कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी। राइट आर्म से चले, ओहो उछल गई है और ये अपना विकेट दे दिया इन्होंने। जल्दी बैट का फेस बंद हो गया, बॉल आने से पहले ही फेस बंद करके इमरान भाई चले गए। ये लगातार विकेट खो रहे हैं हम, एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत। अच्छे तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। विंग्स, ये इनके कप्तान है, और धीरज कुमार भारती हमारे साथी कमेंटेटर जो अभी तक कमेंट्री कर रहे थे, अब वो बैटिंग बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, अभी बहुत ही जिम्मेदारी से उन्हें खेलना पड़ेगा। लास्ट बॉलर रवीश की, दो विकेट लिए इन्होंने अपने 3.5 ओवर में 5.74 की इकोनॉमी से। धीरज कुमार भारती अच्छे बैट्समैन है, राइट आर्म लेग स्पिन करते हुए लंबी बॉल और अच्छा खेलने का प्रयास, एज लगा, अच्छी फील्डिंग। दोनों नए बैट्समैन क्रीज पे, ओवर चेंज होता हुआ। नए बॉलर को बॉलिंग देते हुए आतिफ अपना पहला ओवर लेके आ रहे हैं। ये भी राइट आर्म स्पिन करते हुए थोड़ी तेज फेंकी, चक बॉल थी, बहुत ही तेज सिंगल, बहुत ही तेज सिंगल। धीरे बहुत तेज है रनिंग द विकेट, और लमकोटी भाई इतने लंबे हैं कि वो दो ही स्टेप्स में पूरा विकेट पार कर लेते हैं, तो अच्छा रनिंग, अच्छा रनिंग। ऐसे सिंगल्स लेते रहेंगे, एक आधा चौका अगर मारते रहेंगे तो रन रेट कवर हो जाएगा इनका। बस अभी विकेट बचाने पड़ेंगे, बैक टू बैक हमारे विकेट गिर गए हैं। तो टीम अंडर प्रेशर है, ड्रेसिंग रूम में अनीश भाई तैयार हो रहे हैं, वो भी समझदार सीनियर प्लेयर है हमारी टीम के, और धीरे धीरे अपना वक्त लेते हुए। कुछ अलग तरह का फील्ड लगाया है इन्होंने, राइट आर्म स्पिन। धीरज भाई को धीरज भाई की ही दवाई से चखना पड़ा आज। धीरज भाई भी ऐसे हमारे स्पिन थोड़ी तेज क्विकर वन डालते हैं, और ये अच्छी क्विकर वन थी, धीरज भाई चेक नहीं कर पाए इसको और मिस कर गए। थोड़ा संभाल के खेलेंगे अभी, और ये बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा, चार रन पे आते हुए बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। दो रन ले लिए हैं, अच्छा एफर्ट डाला फील्डिंग में। धीरू भाई का अच्छा शॉट था, अच्छा मिडिल हुआ है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। राइट आर्म स्पिन, बहुत ही अच्छा शॉट, हुक किया इस बॉल को। बैट्समैन के मिडिल होने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है। धीरू भाई को पता है अगर हर बॉल पे रन लेते रहेंगे, एक आधा चौका मार लेंगे अगर, तो मैच आराम से जीत सकते हैं, कोई घाई नहीं है इनको जीतने में। दीपक भाई हमारे ऊंचे कद के प्लेयर हैं, अच्छे छक्के मारते हैं, थोड़ा सफल किया, बहुत अच्छा बैट चलाया लेकिन आई नहीं इनके रेंज में, लेकिन ठीक है, हर बॉल पे सिंगल आना बहुत जरूरी। 61 बॉल 87 रन चाहिए, 61 बॉल्स पे 87 रन चाहिए। हमारे स्टार प्लेयर रेशम सिंह सोडी जल्दी आउट हो गए, मुजीब और सैयद भाई ने अच्छा पार्टनरशिप किया, उसके बाद हमें पार्टनरशिप दिख ही नहीं गई। अभी एक पार्टनरशिप की जरूरत है, एक क्विकर वन है, बहुत अच्छा डिफेंस किया, भागना चाहते थे, साफ मना किया दीपक भाई ने, बहुत ही बढ़िया कॉलिंग, दोनों समझदार सीनियर प्लेयर अच्छा खेलते हुए। सामने वाली टीम का नाम बहुत अच्छा है, विंग्स एंड क्लॉज, 25 ओवर में 182 रन 7 विकेट के नुकसान पे बनाए इन्होंने। हमारा स्कोर है 15 ओवर में, नेक्स्ट बॉलर है सत्या, 26 मैच में 10 विकेट लिए इन्होंने 6 की इकोनॉमी से। हमारा स्कोर है 96 पे 5 15 ओवर में,
10 ओवर का खेल है, आराम से बन सकते हैं रन अगर विकेट ना खोए। फील्ड में बदलाव करते हुए थोड़ा दीपक भाई अगर अपने फॉर्म में खेले तो रन रेट को 6 और उससे नीचे ला सकते हैं। तेज करते हुए राइट आर्म वाइड बॉल, बहुत ही अच्छी कीपिंग। राहुल ने डाउन द लेग बॉल फेंकी, वाइड सिग्नल देते हुए एम्पायर। और इस वाइड के साथ 10 एक्स्ट्रा हो गए। अच्छी बॉल डॉट, सिंगल डबल कन्वर्ट करने बहुत जरूरी। पर दीपक भाई का नेचुरल गेम है चौके छक्कों में डील करना, लेकिन उस तरह की टाइमिंग अभी तक दिखी नहीं है। दूसरी टीम के कप्तान अपने बॉलर को समझाते हुए कहां बॉलिंग करनी है, कैसे करनी है। एक ही एंगल से हम कैमरामैन दिखाएंगे। दीपक भाई ने बहुत ट्राई करने की कोशिश की और लेग बाय के रन मिलेंगे। हर बॉल पे चौका नहीं मारा सकता, बहुत समझनी पड़ेगा दीपक भाई को। लेकिन इस बीच में धीरू भाई ने बहुत तेजी से रन कंप्लीट करके अपने स्ट्राइक से चेंज किया है। धीरू भाई बहुत ही अच्छा बैटल करते हैं, सिंगल डबल्स पे डील करते हैं, वक्त आने पे तेज रफ्तार से भी खेल सकते हैं। बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, टीम की स्थिति को समझ के खेलते हैं, वेट करके अपना टाइम लेके खेलते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट और डाउन द लेग साइड, ये वाइड होगी। अगर ऐसे वाइड देते रहेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान होता रहेगा, गेम आसान बनता रहेगा। 15.2 में 99 हो गए, 100 रन होने वाले हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, डाउन द विकेट सॉरी, फिर से वाइड। बॉलर ने साइड चेंज की थी लेकिन एक और वाइड, और इसी के साथ 100 रन पूरे होते हुए। फिर से वाइड, एक और वाइड। जैसे भी रन आए बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी, जैसे जैसे रन आते जाएंगे हमारे पे प्रेशर कम होता जाएगा, सामने वाली टीम पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। वो थोड़ा सा चेक कर रहे हैं बॉलर के साथ, लूज छोड़ना नहीं चाहिए मैच, अच्छी टीम है हमारी। ओहो, बाउंस को जज नहीं कर पाए धीरज भाई, एंड टाइम पे एडजस्ट किया लेकिन अच्छा सिंगल चुरा लिया। बॉल जैसा धीरज भाई ने सोचा था उतनी बाउंस उससे ज्यादा हो गई, क्लब्स पे लगी, किसी तरह के कोई खतरा नहीं। दीपक भाई एक बार और स्ट्राइक पे ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए, बहुत अच्छा चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं। एक बॉल चेक होगी, एक बॉल मिडिल होगी और गेम में आ जाएंगे वापस। लेकिन सिंगल ले लिया है धीरज भाई ने, बहुत तेज है रन के बीच में, रनिंग विकेट बहुत ही तेज। धीरज कुमार भारती ओवर द विकेट बॉल, अच्छा मिडल किया है, अच्छा मिडल किया है, चेक कर रहे हैं बॉल, डाउन द लेग साइड बॉल थी, फ्लिक करना चाहिए था इस बॉल को, लेकिन धीरज भाई आराम से खेलते हुए। ओ बहुत ही अच्छा ड्राइव, बहुत ही अच्छा ड्राइव, सिंगल ही मिलेगा, फील्ड चेक करके गैप में डालते अगर तो चौका हो सकता था। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 104 रन 5 विकेट के नुकसान पे। आतिफ को लाया गया स्ट्राइक पे, एक ओवर 5 रन दिए थे इन्होंने।
पता, इस मैच में 3 विकेट लिए हैं, पार्ट टाइम बॉलर है, चेक किया जा रहा है, इनको स्पिन करवा रहे हैं और अच्छा टप्पा पकड़ के अच्छा बाउंस। धीरू भाई उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बॉल इतनी तेजी से कीपर के ग्लव्स में जाएगी। बहुत अच्छा और टॉप एज लगा है, 3 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी भी, और ये ड्रॉप कर दिया कैच, 2 खिलाड़ी थे पीछे, मिसकम्युनिकेशन हुआ, हाथ पे आने के बाद बॉल छोड़ी है उन्होंने। इसी बीच में सिंगल मिल गया इन्हें, ऑफ द स्ट्राइक होंगे, रनिंग पे आके सोच रहे होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या ये गलत शॉट था, पेस नहीं चेक कर पा रहे, पेस पे अच्छा वेरिएशन करते हुए ओवर द विकेट, और ये तेज बॉल कराई है और अच्छी सी बॉल, धीरे लमकोटी भाई कट मारना चाह रहे थे इस बॉल को। धीरू भाई शक्ल से अफसोस जाहिर करते हुए कि क्या कर गया मैं, सुकून की सांस ली होगी कि अच्छा बच गया हूँ, और हमारी टीम के लिए बहुत ही अच्छा कि धीरज भाई अभी भी तीसरे बने हुए। ओ एक ही टप्पे से बॉल कर रहे हैं, दीपक भाई को कंफ्यूज कर रहे हैं, दीपक भाई हर बॉल को हिट करना चाह रहे हैं। आतिफ भाई एक पार्ट टाइम बॉलर है, हमें यहाँ कन्वर्ट करना चाहिए रन्स जल्दी जल्दी, ओवर कन्वर्ट करते हुए, ओवर खत्म करते हुए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, कम बॉलिंग मिलती है इन्हें, लेकिन अच्छा टप्पा पड़ के बॉल करते हुए दीपक भाई बॉल डॉट करते हुए ज्यादा। फील्डिंग साइड से भी आवाज आ रही है, पता नहीं चल रहा है बॉल कहाँ से जा रही है। दीपक भाई खुद भी फ्रस्ट्रेट होते हुए, डगआउट में अभी अनीश भाई, जावेद भाई, टर्नर वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। दूसरी टीम हंसी मजाक करते हुए बिना प्रेशर के खेल रही है, हमारी टीम ने थोड़ा प्रेशर लिया हुआ है और धीरज भाई को वापसी करनी होगी। अच्छा ओवर, 17 ओवर में 105 रन 5 विकेट पे, बॉल कम होती गई, रन बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत ही लंबा शॉट मारा है 6 रनों के लिए दीपक भाई ने, धीरज कुमार भारती ने वापसी करी है, बहुत ही अच्छा 6 रन अपने जीवनदान को कन्वर्ट करते हुए। पिछली बॉल पे जीवनदान मिला था इन्हें, बहुत ही अच्छा छक्का, दूसरी टीम थोड़ा सा मजे लेती लेकिन ये मजाक कब सजा बन जाए ये पता नहीं चलेगा। ये हमारी टीम में अच्छे प्लेयर्स हैं, 9वें 10वें नंबर तक के बैट्समैन मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। इसीलिए कैप्टन दूसरी टीम के विंग्स इन क्लॉस के लिए चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो ज़्यादा इजी ना ले जाएं। बॉल नहीं मिल रही अभी इन्हें, पॉज करते हैं। पिछली बॉल पे अच्छा छक्का मारा है, बॉलर वापसी करने की कोशिश करेंगे और धीरू भाई इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ओवर द विकेट, अच्छा बॉल थाई पे लगा, फ्लिक करना चाहते थे, जल्दी बैट का फेस बंद कर लिया। और धीरज कुमार भारती जैसे मैंने आपको कहा एक पोटेंशियल खिलाड़ी है हमारी टीम हमिंग बर्ड्स के, अच्छा खेलते हैं, छक्कों में ज्यादा डील करते नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा वापसी छक्का मार के। राइट आर्म ओवर द विकेट मीडियम पेस करते हुए लंबी बॉल फेंकी, मिस कर गए धीरू भाई कीपर ने पूरी कोशिश की लेकिन धीरू भाई आराम से अपने पिच के अंदर पहुंच गए थे। लंबी बॉल थी, ओवर पिच डिलीवरी, मिस हो गई, कंदी बॉल को कन्वर्ट करना पड़ेगा लेकिन वो कर नहीं पाए। रेशम सिंह सोडी हमारा डग आउट भी काफी चेयर्ड अप है, कोई टेंशन में नहीं लग रहा। धीरू भाई सिंगल ले रहे हैं, 49 है, 49 है, 49 है।
राइट आर्म ओवर द विकेट। दीपक भाई ने लंबा लपेटने की कोशिश की है, दो फील्डर के बीच में है, लेकिन फील्ड पकड़ लेंगे, सिंगल ही मिलेगा। मिडिल हो नहीं रही उस तरह की जिस तरह की मिडिल होनी चाहिए इनसे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक बॉल कनेक्ट हो जाए। जैसे ही बॉल कनेक्ट होगी उसके बाद फ्लो में आ जाएंगे, बस विकेट ना दें अपनी। 43 बॉल पे 70 रन चाहिए, 43 बॉल पे 70 रन अचीवेबल है। राइट आर्म ओवर द विकेट। धीरज कुमार भारती शफल हुए हैं, अच्छा बैट से मिडिल किया, सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो सकते हैं, बच गए। बहुत डाइसी हो सकता है, अंपायर ने आउट दिया नहीं दिया, अभी डाइसी है। पता नहीं अंपायर क्या कह रहे थे, क्लियर डिसीजन नहीं दिया उन्होंने। और दीपक लमकोटी भाई रन आउट होते हुए, ये नहीं चाहिए था हमें रन आउट, पता नहीं बहुत डाइसी था, अपन चेक कर सकते हैं मैच के बाद चेक करेंगे। बैटिंग करने अनिश भाई लास्ट बॉल पे रन आउट हुए हैं, इसीलिए धीरज कुमार भारती की स्ट्राइक है। और आतिफ जिन्होंने पिछला अच्छा ओवर डाला था, कैच का चांस मिस हुआ था। राइट आर्म ओवर द विकेट स्पिन करते हुए सीधा क्विकर वंस डाल रहे हैं, अभी ज्यादा घुमाने की कोशिश नहीं की, अच्छा टप्पा पकड़ के बॉलिंग कर रहे हैं। धीरज कुमार भारती थोड़ा एडजस्ट करके खेलना पड़ेगा, और धीरज भाई प्रेशर में। और अच्छा डबल माइंड हुए, हिट करने जा रहे थे लेकिन उनका टप्पा जैसे कि मैंने आपको कहा अच्छा पकड़ा हुआ है डॉट बॉल। जितनी ज्यादा डॉट बॉल्स होंगी उतना मैच फंसेगा। बहुत क्विक प्लेयर है वहां, बेफालतू में निकल गए बाहर। अच्छा कॉल अनिश भाई का, वापस भेजा धीरज भाई, थोड़ा तेज भागते हैं, अनिश भाई को कॉल चेक करना पड़ेगा। अनिश भाई डेंजर एक्ट में भाग रहे थे, तकलीफ है उन्हें थोड़ी भागने में। और ये क्विकर वन अच्छा पॉइंट की तरफ खेल के सिंगल निकाल दिया है। और सिंगल 44 नंबर की जर्सी में। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करते हुए अनिश भाई पहली बॉल फेस कर रहे हैं, कट मारने की कोशिश। बहुत अच्छा टप्पा पकड़ा हुआ है उन्होंने, वहां से कट मारना थोड़ा मुश्किल रहेगा, या तो पूरा फ्रंट फुट पे खेलें या पूरा बैक फुट पे खेलें। लेकिन अनिश भाई बहुत समझदार प्लेयर हैं, बहुत अच्छा टाइम लेंगे अपना। राइट आर्म ओवर द विकेट, गुड लाइन स्पॉट पे बॉल, अच्छा कैच उठाए लेकिन कोई वहां है नहीं, इजी सिंगल। बैट बदलने के लिए कह रहे हैं अनिश भाई, कुछ प्रॉब्लम हुई उन्हें, MRF का बैट मांगते थे। आतिफ की अगली बॉल, लंबी बॉल है, लंबी बॉल थी, सीधा हाथ में मार दिया था, लेकिन बहुत डिफिकल्ट चांस था, इन्होंने छोड़ दिया। पर धीरज भाई का फ्लो बहुत अच्छा आया था, बैट का बहुत ही अच्छा फ्लो, सीधा बॉलर कैप्टन बॉल चांस था, बहुत तेज हाथ में लगी है। एक और ओवर की समाप्ति, 6 ओवर में 67 चाहिए, 6 का रन रेट है। रिक्वायर्ड है 11.7 का रन रेट, 12 रन चाहिए और ओवर में। सिंगल डबल से काम चलेगा नहीं, कुछ लंबी हिट्स की जरूरत। बहुत ही स्लो बॉल, कट मारा है, बहुत अच्छा शॉट है, 4 रन जाना चाहिए, फील्डर भाग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत अच्छा कट मारा धीरू भाई ने। धीरू भाई से बहुत उम्मीदें हैं टीम को। रवीश तनेजा
4.1 ओवर 26 रन देके 2 विकेट, 6.24 की इकोनॉमी है इनकी। शुरू में बॉलिंग करने आए थे, अच्छे लेग स्पिन करते हैं, फंसा के रखा सामने वाले प्लेयर्स को। बीस बॉल पर 19 से मनाए खेल रहे हैं, एक चौका एक छक्के की मदद से। धीरज भाई राइट आर्म ओवर द विकेट लेग स्पिन करेंगे और ये लंबी बॉल कराने की कोशिश, डिफेंस किया, 7 से रन चुरा लेंगे। बहुत अच्छा डिफेंस, बहुत ही अच्छा। उन्हें मालूम है कि ये जो हमारे 13 नंबर के प्लेयर हैं, फ्लैश बॉय कैप्टन, थोड़े से उम्र दराज प्लेयर, थोड़ा सा इनका एफर्ट कम, लेकिन सिंगल्स में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए वो एफर्ट डालना नहीं चाह रहे। अच्छी बॉल घुमाई है लेग साइड से ऑफ साइड की तरफ घूमती हुई, बहुत ही अच्छी लेग स्पिन, बहुत ही अच्छी लेग स्पिन। एक और बॉल, अच्छा लेग स्पिन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लेग स्पिन कर रहे हैं। अनिश भाई ट्राई कर रहे हैं लेकिन बॉल बहुत अच्छा टर्न हो रहा है, बॉल बहुत अच्छा। सुबह पिच हल्का गीला था लेकिन अब पिच पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और अच्छा घूमी है बॉल। रवीश भाई ने घुमाई भी बहुत अच्छी है और ये एक और बहुत अच्छा टप्पा, बहुत ही अच्छा टप्पा। बैट्समैन को कोई क्लू ही नहीं लगा कि बॉल कहाँ टप्पा करी, कहाँ गई। अनिश भाई थोड़ा सा फंसे हुए हैं आज, मैच अब हमारे हाथ से निकलता हुआ लगभग, कुछ चमत्कारी मैच जिता सकता है। सिंगल नहीं हुआ, धीरू भाई ने पूरा मना किया। उन्नीस पॉइंट पांच ओवर में लेग अंपायर थोड़े सुस्त, विपिन कुमार। ओवर खत्म हो गया है, 30 बॉल में 62 रन चाहिए, पूरी 12 की रन रेट हो चुकी है, 12.40 की 6 की रन रेट से खेल रहे हैं हम, बहुत स्लो मैच आ गया था जो इमरान और सैयद खेल रहे थे, लेकिन लगातार 2 विकेट गिरी और मैच फंस गया। उसके बाद काफी डॉट बॉल्स खेली हमने, दीपक भाई ट्राई करते रहे लगी नहीं, धीरज भाई कोशिश कर रहे हैं, एक दो अच्छी कनेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अब एक दो बॉल कनेक्ट करने से चलेगा नहीं, अब हर बॉल पे सिंगल डबल या चौका चाहिए। एक चौका मार के अगर डबल सिंगल भी लेते हैं तो 12 रन बन सकते हैं, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी बॉलिंग करते हुए आतिफ, इन्होंने बहुत ही अच्छा मैच फंसाया कि 3 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए हैं 3 के रन रेट से, एक ही टप्पे से बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन उस टप्पे को समझ नहीं पा रहा। आप देख रहे हैं पूरी बैक ऑफ द फील्ड लगा रखी है इन्होंने, थर्ड मैन पॉइंट कर ली और ये लंबी बॉल थी, इसको डिफेंस करके सिंगल लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया, लेना पड़ेगा अभी, रिस्की रन ले सकते हैं, प्लेट चेक करने पड़ेंगे, पर धीरे धीरे लंबा मारेंगे उस फिराक में। और ये बहुत अच्छा कट खेलते हैं, बहुत ही अच्छा कट खेलते हैं, पॉइंट की तरफ मारा है लेकिन अभी फील्डर उन्होंने बहुत अच्छा लगा रखा है फील्ड, चौके नहीं देना चाह रहे कैप्टन दूसरी टीम के। और आतिफ भाई बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने, 3.2 ओवर्स में 10 रन दिए, 3 की इकोनॉमी से अगर कोई बॉलर बॉलिंग करता है एंड ऑफ द मैच आप हमेशा जीतोगे। और अनिश भाई की कनेक्ट हो गई है बॉल, लेकिन आएगा सिंगल ही, फील्डिंग बहुत अच्छी लगाई हुई और फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करते हुए। धीरज कुमार भारतीय 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, ऐसे काम चलेगा नहीं, 200 चाहिए। अच्छा कट मारने की पुल मारने की कोशिश थी लेकिन बैट कैच लगा, पीछे थर्ड मैन के प्लेयर ने पकड़ी बॉल, सिंगल से काम चलेगा नहीं। बहुत अच्छी बॉलिंग करी आतिफ भाई ने, राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छा बॉल
ज्यादा घुमाया नहीं है, सीधा सीधा बॉल किया है, गुड लेंथ स्पॉट पे बॉल पकड़ के किया है। बैट्समैन को कोई क्लू ही नहीं लग पाया बॉल कब गिरी कब निकली। दीपक भाई भी फंसे हुए दिख रहे थे, अनीश भाई भी यहाँ पे हल्का फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे। इस बार कोशिश कर रहे हैं, कट मारने की कोशिश कर रहे हैं इस बॉल को और मिस हो जा रही है। अगर रेशम सिंह सोडी की तरह थोड़ी चहलकदमी करके बॉलर की लाइन खराब करने की कोशिश करें तो शायद कुछ हो सकता है। ओवर की समाप्ति के बाद 124 पे 6, 24 बॉल पे 59 रन चाहिए। राहुल सहरावत बॉलिंग करते हुए 3 ओवर 12 रन देके 1 विकेट लिए, 4 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है। अच्छी पेस से बॉलिंग करते हैं, काफी पेस से बॉलिंग की है। रेशम सिंह सोडी को बाउंसर पे आउट किया है इन्होंने। पिछले धीरू भाई आप देखे होंगे हेलमेट पहनते हुए, और फिर पटकी हुई गेंद, टप्पा खाने के बाद तेजी से निकलती हुई बॉल, और कोई क्लू नहीं है धीरू भाई के पास कि कैसे इसको टैकल करना है। देखते हैं किस तरह से ओवरकम करते हैं स्पीड को। बहुत ही अच्छा मिडल किया है लेकिन फील्डर है यहाँ पे। अच्छी वापसी धीरज भाई की, धीरज भाई लगभग अपना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। अगर अनिश भाई भी कुछ लंबे हिट्स दिखाएं, मैच वापसी कराएं, सिंगल से ज्यादा कुछ घटेगा नहीं मैच में। वो ऊपर की बॉल थी, कोई क्लू नहीं लगा अनिश भाई को, बाउंसर का वेट कर रहे थे। गुडलिन बॉल गिरी और निकल गई। मैच फिसलता हुआ हमिंग बर्ड्स की तरफ से, विकेट की लेने की कोशिश करते हुए एज लगा और 4 रन मिलेंगे। इतनी तेज बॉल है कि अगर बैट का कोई लकड़ी का कोई हिस्सा भी लगेगा अगर तो वो चौके की तरफ जाएगी बॉल। बॉलर विकेट लेने को जा रहे हैं, इनका नेचुरल बॉल है, थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते हैं, स्पीड से बॉल निकालते हैं, लेकिन अभी लंबी बॉलिंग करते हुए सीधा विकेट पे मारना चाहते हैं। और ये पटकी हुई बॉल नो बॉल होनी चाहिए, बाउंसर होनी चाहिए, सिंगल दी है लेकिन अंपायर बैठा है, कोई डिसीजन नहीं, एक बाउंसर दी है उन्होंने, वाइड भी दे सकते थे। थोड़ी ढीली अंपायरिंग होते हुए धीरज भाई नाखुश दौड़े हैं रनअप से, और फिर पटका है ऊपर, बहुत अच्छा शॉट धीरू भाई का 6 रनों के लिए। जितना तेज बॉल उतना ही तेज शॉट, अच्छा टाइम किया सिर्फ। और अगर आप अच्छा टाइम करते हो, इतनी गति का बॉलर है तो बॉल पार हो जाती है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा धीरू भाई को, और बहुत अच्छा खेल है अभी भी, कोई टारगेट ऐसा नहीं कि हम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन 18 बॉल पे 47 रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा शॉट मार के धीरू भाई ने वापसी करी है। रवि तनेजा अपने 5 ओवर कर चुके हैं, राहुल सहरावत का 1 ओवर बाकी है, जतनीश सिंह 2 ओवर बाकी, निपुण शर्मा 2 ओवर बाकी, आतिफ अंसारी का 1 ओवर बाकी। देखते हैं कैप्टन किसे बॉलिंग देते हैं। और आतिफ मुझे लग रहा है अपना आखिरी ओवर करना चाह रहे हैं, बहुत ही किफ़ायती बॉलिंग की है। विकेट हालांकि इन्हें कोई नहीं मिली, लेकिन बहुत ही ऐसे टाइम पे बॉलिंग करने आए थे जब 6 का रन रेट 7 का रन रेट चाहिए था, उसको डॉट बॉल करा के 12 पे ले गए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट डिफेंस कर रहे हैं अनिश भाई। और ये राइट आर्म ओवर द विकेट टप्पा खाई हुई बॉल, बहुत झन्नाटेदार मारने की कोशिश की है कैप्टन की मिस फील्डिंग पर, फील्डिंग बहुत तेजी में, बहुत तेज शेरावत जी ने बहुत ही तेज इंडिगो की स्पीड से बॉल को रोका। कैप्टन साहब के हाथ के पास से भी बॉल नहीं गई, फिर भी हाथ हिला रहे हैं अपना।
और ये लंबा शॉट भर के मारा है इन्होंने 6 रनों के लिए। नहीं चौका है ये, 6 है ये, 6 है, बहुत सॉरी। बहुत ही अच्छा, हल्का सा एडजस्ट किया अनिश भाई ने अपने आप को, जैसे ही गिरी पाले में पार कर दिए बॉल। कुछ क्रैकिंग शॉट देखने को मिले हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है हम लेट हो गए, लेकिन फिर भी फील्ड में परिवर्तन। आतिफ भाई राइट आर्म ओवर द विकेट और ये फिर वहीं गिरी है, लेकिन इस बार मिस हो गए। बहुत तेज पल्ला चलाया था, बहुत तेज, पूरी पावर झोंक रहे हैं शॉट में। अगर बैट पे बॉल आई तो पार ही गिरेगी, लेकिन मुझे लगता है पावर से ज्यादा टाइम करना चाहिए। हल्का टाइम करेंगे, गैप में खेलेंगे तो भी रन आ सकते हैं। हमारी टीम हमिंगबर्ड चीयर्स चीयर करती हुई, हारा हुआ मैच है फिर भी चीयर कर रही है लगभग। और बहुत ही अच्छा, लेकिन यहाँ प्लेयर है, सिंगल मिलेगा यहाँ पे, डबल की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है। अनिश भाई ने अच्छे हाथ खोले हैं अभी, लेकिन सिंगल से काम नहीं चलेगा, चौके मारने पड़ेंगे। धीरज कुमार भारती टीम को संभालते हुए एडजस्ट किया अपने आपको, और ये बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ऊपर गई है, फील्डर नीचे कैच पकड़ के धीरू भाई की पारी का अंत कर दिया इन्होंने। टर्नर जा रहे हैं हमारे बैटिंग के लिए, नेक्स्ट बैट्समैन। टर्नर बैटिंग करते हुए बहुत ही लंबा मारने की कोशिश, थोड़ा मेरे कैमरे की पोजीशन हिल गई है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ बन जाए। अनिश भाई लंबा भर के मारा है, 6 रन हो गए, बहुत ही अच्छा शॉट अनिश भाई का। आठ बॉल पे 29 रन चाहिए, अच्छा शॉट था ये, बहुत ही अच्छा शॉट, तेज मारने की कोशिश। सॉरी हम कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन अनिश भाई स्टंप हो गए, थोड़ा सा कैमरा पोजीशन मेरा हिल गया था, इसकी वजह से कैप्चर नहीं हुआ। एक और विकेट गिरते हुए, छह बॉल पर 29 रन चाहिए,